हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बालक ज्ञान में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए 12 क्लास के इंग्लिश लाए हुए हैं। दोस्तों ये वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो के देखने के बाद आपका जो है लेखक परिचय क्लियर हो जाएगा और साथ ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी आपका क्लियर हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक ही देखिए, नहीं अगर समझ में आएगा तो कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ नहीं समझ में आया। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जो है भारतीय सभ्यता और संस्कृति, ठीक है। द ऐसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन राइटन बाय महात्मा गांधी। ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 इन इंडिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका जो पीले रंग का यहाँ पर है, ये निबंध जो है भारतीय सभ्यता और संस्कृति महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है, ठीक। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को भारत में हुआ था। जो यहाँ पर हमने इंग्लिश पढ़ा है उसी का ये हिंदी भी हम कर दिए हैं, ठीक है ना। उसके बाद ही वाज मोर ए स्पिरिचुअल रीडर देन ए पॉलिटिशियन, यहाँ तक का देन ए पॉलिटिशियन, वह एक राजनेता से अधिक आध्यात्मिक पाठक थे, आध्यात्मिक थे, ठीक है ना। चले आगे जो है पढ़ा जाए। गांधी जी फ्लोवेड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, गांधी जी सत्य और अहिंसा के पालन करते थे। जो अभी हम लोग यहाँ से पढ़े हैं वो उसी का यहाँ पर हिंदी है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, सत्य के साथ मेरा प्रयोग गांधी जी की जो है आत्मकथा है, ठीक है। दोस्तों आपको मतलब समझ में आ रहा होगा, आप नहीं कह सकते हैं कि नहीं समझ में आया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दिस ऐसे गांधी सोज डैट ऑल सिविलाइजेशन आर गुड बट इंडियन सिविलाइजेशन इज बेटर देन ऑल। देखिए क्या कहा गया है कि इस निबंध में गांधी जी दर्शाते हैं कि सभी सभ्यता अच्छी है, लेकिन भारतीय सभ्यता सभी से बेहतर है, ठीक है ना। गांधी जी कहते हैं कि सब सभ्यता ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा भारत की सभ्यता है, ठीक है। सिविलाइजेशन टीच्स अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड अदर्स, जो सभ्यता हमें दूसरों के प्रति अधिक मैत्रीपूर्ण होना सिखाता है, मतलब किस तरीका से दूसरे के साथ व्यवहार करना है वो सिखाता है। फ्रोहन आर द रूल्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट, फ्रोहन जो है प्राचीन मिस्र के शासक है। ही सेज डैट माइंड इज रेस्टलेस बर्ड बिकॉज द मोर इट गेट्स द मोर इट्स वांट्स, आवर हैप्पीनेस इज मेंटल कंडीशन। वो कहते हैं, गांधी जी कहते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी है। अभी जो हम लोग यहाँ से पढ़े हैं उसका ये हिंदी है। वह कहते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी है, क्योंकि यह जितना अधिक पाता है उतना ही अधिक चाहता है। हमारी जो है खुशी मानसिक स्थिति है, कहने का मतलब जितना उसे दे दीजिए फिर भी उसको संतुष्टि नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ऑब्जेक्टिव है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन है डैश वी आर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज, इसका हिंदी नीचे आपके सामने है। एक छोटे से गांव से संतुष्ट थे, कौन थे संतुष्ट, इसका सही जवाब हो जाएगा
आवर एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज थे वो छोटे गांवों से संतुष्ट थे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, गांधी जी यहाँ पर देखिएगा, गांधी जी ऑलवेज बिलीव्ड इन सिंपल। देखिए, गांधी जी सदैव सरल डैश में विश्वास करते थे। किस में विश्वास करते थे? तो क्या लिविंग मतलब जीव, मतलब कहने का मतलब है ना, गांधी जो है सदैव सरल जीवन जीने में विश्वास रखते थे, तो लिविंग इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, वी नोटिस डैट माइंड इज ए डैश, क्या हम देखते हैं कि मन एक, क्या है मन? तो मन एक रेस्टलेस बर्ड है, मतलब बेचैन जो है चिड़िया है। बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज डैश, दोस्तों क्या कहा है? भारतीय सभ्यता एक सभ्यता एवं संस्कृति डैश है, क्या है बताइए? तो ये क्या है, एक जो है निबंध है, ऐसे है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, हु डोमिनेंट इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 to 1948। देखिए, कहा जा रहा है यहाँ कि 1915 से 1948 तक भारतीय राजनीतिक पर किसका प्रभुत्व रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, महात्मा गांधी। एम मतलब महात्मा हो गया, इसका सही जवाब हो गया महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, इंडियन सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए डैश, इसका हिंदी हुआ भारतीय सभ्यता डैश के विकास की अवस्था है। मतलब भारतीय सभ्यता जो है किसकी विकास की अवस्था है? पीपल है, एनिमल है, बर्ड है, आप बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, मतलब लोगों की, पीपल की, लोगों की जो है विकास की अवस्था है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, कहने का मतलब है वह कौन नेता थे जो आध्यात्मिक पे ज़्यादा राजनीतिक से ध्यान देते थे? ठीक है, यहाँ पर एक राजनीतिक से अधिक आध्यात्मिक नेता थे, तो वो कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, महात्मा गांधी थे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, डैश इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन और बापू, चलिए इसका मतलब हुआ डैश को राष्ट्रपिता या बापू के नाम से जाना जाता है, किसे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, महात्मा गांधी जी को। अगला जो क्वेश्चन है, हु यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सत्य और अहिंसा को प्रमुख हथियार के रूप में किसने इस्तेमाल किया था? कहने का मतलब है कि भारत में जो है ब्रिटिश शासन के खिलाफ सत्य और अहिंसा के खिलाफ जो है प्रमुख हथियार के रूप में कौन मतलब इस्तेमाल किया था सत्य और अहिंसा को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, महात्मा गांधी थे। ठीक है ना, चलिए आगे जो है, द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय डैश एंड रोमन राइटर्स, यूरोप के लोग डैश और रोमन के लेखकों से प्रेरित हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रीक और रोमन से है लेखकों के प्रेरित है वो लोग। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है,
इंडियन ग्लोरी इज डैट इट इज, तो इसका मतलब हुआ भारतीय महिमा यही है कि, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इमोवेबल, इसका मतलब होता है स्थिर है। भारतीय महिमा यही है कि वह स्थिर है, ठीक है। इसका आंसर बी हो गया। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, मतलब भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति किसने लिखी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए महात्मा गांधी ने। अगला जो क्वेश्चन है, हैज सिविलाइजेशन थ्रोग अस टू बी मोर डैश टूवर्ड मी अनोदर, क्या सभी ने हमें मेरे प्रति और अधिक डैश होना सिखाया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या हमारी सभ्यता सिखाया है, तो फ्रेंडली, मित्रता तो जो है सिखाया है, फ्रेंडली सिखाया है, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है, फिरौन्स वेयर रूलर्स ऑफ एस ऑफ एंशियंट डैश, इसका हिंदी होगा फ्रौन प्राचीन काल के शासक थे, तो 14 का सही जवाब हो जाएगा इजिप्ट, मिस्र। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज राइटन बाई डैश, इसका हिंदी होगा सत्य के साथ मेरा प्रयोग डैश द्वारा लिखे गए थे, तो इसका आंसर हो गया ए महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिए। अगर अच्छा लगा होगा तो नेक्स्ट वीडियो हम इसी तरह का आपको